हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से क्रिकेट न्यूमोलॉजी प्रेडिक्शंस पहला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा 27 तारीख को, है ना। 27 तारीख को पहला ओडीआई मैच था, ये सेकंड ओडीआई मैच है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। आप लोगों ने टेस्ट मैच एंजॉय किया होगा और मैंने टेस्ट मैच का मैं बहुत रेयर बनाता हूँ, क्योंकि मैं जब तक 80% एक्यूरेसी नहीं आता है कि 80% जीतने की संभावना हो, तब तक मैं क्रिकेट मैच का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं बनाता हूँ। और इस बार अब ओडीआई में और टी20 मैच में, है ना, हमारे इंडिया का जीतने का जो परसेंटेज है वो 80% से ज़्यादा है, इसलिए मैं फिर से अब आईपीएल मैच के बाद फिर से आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। अब से मेरा चैनल का नाम, जो क्रिकेट का चैनल मैंने अलग कर दिया, अपेक्षा एजुकेशन से एकदम अलग कर दिया। अपेक्षा एजुकेशन पे सिर्फ मिरेकल से न्यूमोलॉजी, उसमें बॉलीवुड प्रेडिक्शन, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन और न्यूमोलॉजी प्रेडिक्शन रहेगा। क्रिकेट चैनल का नाम मैंने व्हाइट एंड ब्लैक कर दिया, क्रिकेट मिरेकल्स करके नाम ही डाल दिया है। ये मैंने मोटिवेशन मुझे मिला वाइट ब्लैक एंड वाइट जो न्यूज़ आता है सुधीर चौधरी जी का, जिनको मैं 10 साल से आज डीएनए के रूप में जी न्यूज पर देखता था, उसी चैनल से प्रेरित होकर मैंने सोचा क्रिकेट में वाइट ब्लैक बहुत ज़्यादा है, है ना, जो खेल है वाइट ब्लैक का ही खेल है और वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है सुधीर जी का, तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना ले लूँ, तो गूगल में देखा मैंने अवेलेबिलिटी थी, तो मैंने इसको ले लिया फर्स्ट क्लास, है ना, यूट्यूब पर डाल दिया फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है। चलिए व्हाइट एंड ब्लैक पर रुकते हैं, आप देखिएगा इसी चैनल पर आपको क्रिकेट का मिलेगा। और न्यूमोलॉजी सीखनी हो, न्यूमोलॉजी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन में इंटरेस्टेड हो, बॉलीवुड प्रेडिक्शन में, तो जाकर अपेक्षा एजुकेशन पे और लर्न न्यूमोलॉजी स्टेप बाय स्टेप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ो समझो, और नहीं तो इस पर व्हाट्सअप करो, जो भी कुछ पूछना हो कॉल करो व्हाट्सअप करो। और इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि कल का 29 तारीख को, है ना, 29 जुलाई को सेकेंड ओडीआई कौन जीतेगा, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए घर बैठे लाखों रुपये कमाने के, है ना, मान सम्मान के साथ लेडीज जेंट्स रिटायर्ड पर्सन और रिस्टार्ट पर्सन के लिए ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स मैंने शुरू कर दिया है। ऑलरेडी पहला बैच बोलते हैं फ्रेश बैच शुरू हो चुका है, है ना, और उस फ्रेश बैच में आपका एडमिशन का जो प्रोसेस एकदम सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू जाइए, सब कुछ दिया हुआ है। नहीं समझ में आता है मुझे कॉल करिए, मैसेज छोड़िए, व्हाट्सअप नंबर है, बहुत सिंपल है। और ये घर बैठे मान सम्मान के साथ लाखों रुपये कमा, इससे बेस्ट ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। और दूसरा पेड न्यूमोलॉजी और पेड एस्ट्रोलॉजी करानी है, पूरे परिवार की करानी है, मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ एक साथ कराओ, फिर बड़ा बेटा बड़ा बेटी छोटा बेटा छोटा बेटी, पूरे परिवार का वाइब्रेशन सही होना चाहिए। और पेड इसलिए कराना है, पैसा देके इसलिए कराना है कि फ्री या सस्ती चीज़ कभी किसी को प्यारी नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, नहीं तो कराने के बाद भी आप, है ना, यूट्यूब पर सर्च करते रहोगे दिन भर बैठ के, सालों भर, है ना, अपना टाइम खराब करोगे, एनर्जी खराब करोगे और अपना पैसा भी बर्बाद करोगे। इसीलिए पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी है, एक साथ करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वन बाय वन कराओ। और न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी है, मैंने प्रूव कर दिया है कि मैं यूट्यूब का ऐसा पहला न्यूमोलॉजिस्ट बन चुका हूँ जिसका 111 प्रेडिक्शंस 100% सही हो चुका है 10 महीने के अंदर। मेरा पिछला वीडियो देखोगे जाकर अपेक्षा एजुकेशन में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने प्रूव कर दिया कि मैं यूट्यूब का ऐसा पहला न्यूमोलॉजिस्ट हूँ। मुझे एस्ट्रोलॉजर के बारे में नहीं पता, मुझे टैरो कार्ड रीडर के बारे में नहीं पता, मुझे पामिस्ट के बारे में नहीं पता, मैं न्यूमोलॉजिस्ट के बारे में, मैं पहला न्यूमोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि राधे राधे की कृपा से मेरा सारा परमोटेशन कॉम्बिनेशन सारा प्रेडिक्शन 100% सही होता है, है ना। क्रिकेट वाले में 80% प्रेडिक्शन सही होता है, 180 मैच का प्रेडिक्शन सही होता है, 20 मैच के प्रेडिक्शन में सिर्फ एरर आता है, इस बात को आप लोग जानते हो, जो मेरा पुराने लोग जो देख चुके हैं लाखों लोग, उनको मालूम है कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही होता है, है ना। कभी कभी 20% एरर आ जाता है, क्योंकि हम गॉड नहीं हैं, हम जादूगर नहीं, इस बात को समझना है। और न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी है, कि अगर आपके जीवन में आपको ये जरा सा भी फील हो जाए कि आप काबिल हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, है ना, उसके बाद भी आपके जीवन में बाधा है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपके पास, है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्कूटर तक नहीं है, लैपटॉप तक नहीं है, घर नहीं है, ब्रांडेड कपड़ा नहीं है, एसी नहीं है, आप बार बार बीमार पड़ते हो, हॉस्पिटल जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाता है, जॉब के दर दर भटक रही हो, कर्जा माथे पर दुनिया भर का आ गया, बिजनेस 15 बार फेल हो चुका है, बीवी बच्चा बात नहीं मानता है, मैरिज प्रॉब्लम हो गया, बीवी छोड़ के भाग गई है, है ना, या उल्टा वाइस वर्सा जो भी है, ये सब प्रॉब्लम होता है तब जब आपका डेट ऑफ बर्थ आपका नाम का अनुकूल नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता, वो एंटी है, एनेमी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाग्य ही कर्म करवाता है, और नेम न्यूमोलॉजी करवाना जो है स्वर्ग के साथ में दरवाजे को खोलने जैसा है। जब तक नेम न्यूमोलॉजी नहीं कराओगे, स्वर्ग का सातवां दरवाजा मतलब भाग्योदय होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो आप। और न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाय या कॉफी नहीं है कि चाय नहीं मिले तो कॉफी पी लिए, कॉफी नहीं मिले तो चाय पी लिए, ये कार है पेट्रोल की तरह, जिससे बिना पेट्रोल की कार नहीं चलती, बिना पेन के बिना इंक के पेन नहीं चलता, उसी तरह से न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है। इसलिए आप लोग को हमेशा न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक साथ करानी चाहिए, वन बाय वन कराओ, एक एक महीने का गैप लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जरूर करा कर रखो,
आचार्य जी से, लेडी आचार्य जी जो इस देश की बहुत ईमानदार महिला है मेरी तरह एकदम, उनसे अपना स्टॉरी कराओ, मेरे से न्यूमोलॉजी करा कर रखो, पूरे सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, नहीं समझ में आता व्हाट्सएप करो, पीडीएफ मांगो और पढ़ो और समझो, और पूरे परिवार का न्यूमोलॉजी स्टॉरी एकदम समय रहते कराओ, क्योंकि तकलीफ के टाइम में बुरे दिन में स्टॉरी न्यूमोलॉजी कराओगे एक एक दिन एक महीने का सामान लगेगा, इस बात को नहीं भूलना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, है ना। अब चलिए बताते हैं क्रिकेट न्यूमोलॉजी प्रेडिक्शन। क्रिकेट न्यूमोलॉजी प्रेडिक्शन में 29 जुलाई को जो मैच होगा सेकंड ODI, उसमें जितने की संभावना किसकी है, ये विनिंग फैक्टर्स है, बहुत सिंपल है, सारे यूट्यूब पर लाखों वीडियो जिसमें विनिंग फैक्टर्स दिया रहता है कि कंट्री नेम, कंट्री नंबर, मैच लोकेशन, मैच ईयर, है ना, मैच डेट, डे कैप्टन का डेट ऑफ बर्थ, इस कैप्टन का पर्सनल ईयर, है ना, जर्सी नंबर, उसके बाद अदर सर्वल अदर फैक्टर, कोच का भी लिया जाता है और भी सर्वल अदर फैक्टर्स लिया जाता है, वो सब लगा के मैं 60 फैक्टर्स तक जाता हूँ। 60 फैक्टर्स में तब जाता हूँ जबकि कंट्री का नंबर डिफिकल्ट नंबर हो, जैसे 4 हो 7 हो 8 हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया का नंबर 4 है, पाकिस्तान का नंबर 7 है, इंग्लैंड का नंबर 8 है, तब इन सब लोगों कंट्री में अगर मैच होता है तब 60 फैक्टर तक जाना पड़ता है। इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का जो नंबर आता है 37 एक नंबर पे बड़ा लकी नंबर पे, इंडिया तो ऑलरेडी लकी नंबर पे है लेकिन डिफिकल्ट नंबर पे 12 नंबर पे, ठीक है। अब चलते हैं इसको बताते हैं कि आपको 29 तारीख को जो मैच है ना 29 जुलाई को, उस वो मैच कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। टोटल ओवर्स मान लीजिए, है ना, जो भी खेलेगा फर्स्ट हाफ में तो उसका वो जो है रन बनाएगा, फर्स्ट हाफ का मतलब होता है 7 बजे शाम से 7 से 11 के बीच में उनका रन बनने की संभावना है कि स्टार्टिंग का 20 ओवर फास्ट रन बनेगा, है ना, फिर एवरेज रन बनेगा आपका ऑलमोस्ट 15 ओवर और 15 ओवर स्लो रन बनेगा। तो चूंकि 50 ओवर का ODI होता है T20 तो होने के 20 ओवर में खत्म हो जाएगा इस तरह से भी छा। तो जो जितने वाला पार्टी, अभी नहीं बताऊंगा मैं कौन जीतेगा, उसको सेकेंड हाफ में बैटिंग करे मतलब चेंज करेगा सेकेंड हाफ में, मतलब 11 बजे के बाद, 11 रात को 11 बजे के बाद जब सेकेंड हाफ में चेंज करेगा तो जीतने की संभावना ज़बरदस्त बढ़ जाएगी, 80% बढ़ जाएगा जीतने की संभावना। टोटल रन्स जो बनने की संभावना है वो है 175 से 300 के बीच, ताकि 20 ओवर इसी फास्ट रन बनेगा तो 175 से 300 के बीच रन बनेगा, और 100 रन बनने की संभावना नहीं, बिल्कुल नहीं है, है ना। दो खिलाड़ी, कोई एक एक खिलाड़ी दोनों तरफ से 50-50 रन्स बनाएगा, है ना, और विनर में सेकेंड ODI भी जो जीतेगा वो हमारी टीम इंडियन टीम जीतेगी, मतलब इंडिया जीतेगी सेकेंड ODI, बहुत सिंपल है। जैसे इंडिया को सेकेंड हाफ में मैच बैटिंग करना होगा 11 बजे के बाद वाला, आज जो वेस्ट इंडीज़ रन बनाएगा वो 175 से 300 के बीच रन बनाएगा, उससे ज़्यादा रन नहीं बनेगा, है ना, तो इंडिया बड़ा आसानी से चेस कर सकती है सेकंड हाफ में और इंडियन टीम को जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। अब फिर से स्पिनर का दिन रहेगा, हाँ 29 तारीख को भी स्पिनर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा विकेट लेंगे, फास्ट बॉलर की कंपेरिजन में स्पिनर ज़्यादा अच्छा करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा कर रखो ऑल वाला, सो दैट कि सारा स्पोर्ट्स रिलेटेड स्पेशली क्रिकेट से तभी भरमार है इस साल, अभी तो वर्ल्ड कप आने वाला है, फिर एशिया कप आने वाला है ना, सालों भर क्रिकेट चलता रहता है, फिर वुमेंस टीम का भी अब बना कर देंगे, अब मुझे समय उसके लिए समय निकाल रहा हूँ, समय निकल चुका है, अब मैं क्रिकेट के लिए अपना समय आधा घंटा दूंगा बनाने का वीडियो पर डे बेसिस पे, सो दैट कि आप लोग को इस चैनल पे वाइट एंड ब्लैक चैनल पे मेरा क्रिकेट मिरेकल्स पे आप लोगों को क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो मिलता चला जाएगा जैसे पहले मिलता चला जा रहा था। फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में कि आपको कैसा लगा, है ना, और फिर से रिपीट करा दें कि अपने परिवार में फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर सबको बता दीजिए कि ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले, घर बैठे मान सम्मान के साथ लाखों रुपये कमाने का इससे बेस्ट कोर्स पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। ये लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, रिटायर्ड पर्सन के लिए और रिस्टार्ट पर्सन के लिए। अब बहुत पुरानी कहावत है, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी इतना आगे कैसे बढ़ गए, क्योंकि वो दूसरों को मदद करते हैं अमीर बनने के लिए, है ना, दूसरों का भाग्य संवारते हैं, उसी तरह से आप दूसरों का भाग्य संवारिए, दूसरों को मोटिवेट करिए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, न्यूमोलॉजी और कंसल्टेंसी करवाने के लिए, आपका भाग्य खुद ब खुद सफलता चला जाएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी वीकेंड।